सो व्हाट अप गाइस, कैसे हो? स्वागत है मेरे चैनल में, हूँ आपका दोस्त KriKaP। सो वी आर विद अ न्यू वीडियो, जिसमें आज की मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। तो जैसे ही आप जानते हैं कि अपनी बिग बिलियन डेज आ चुकी हैं और उसमें लैपटॉप्स के रेट बहुत ही कम गिरे हैं, तो आप लैपटॉप्स ले सकते हैं। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है, आपकी बजट नहीं है कि 1 लाख से ऊपर, तो बिल्कुल सही 60,000 के भी, मतलब 70 के बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स आ चुके हैं, जो माइल्ड गेमिंग आपको दे देते हैं, मतलब GT5 सब चल जाती है उनमें। तो वही लैपटॉप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, टॉप 5 बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। और हाँ, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको जैसी लैपटॉप्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड मैं डिस्कॉर्ड पे रोज़ सैटरडे संडे आता हूँ, मेरे से वहाँ पर बात कर सकते हो। मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो को पूरी एंड तक देखना, एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो अगर एंड तक देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड जो सारे लैपटॉप्स के हैं उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लैपटॉप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको कैसा लगेगा। सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, एंड वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट इट। You're better than that! सो गाइज, 5th नंबर पे हमारा आता है HP का पवेलियन गेमिंग, जो आप देख सकते हैं आजकल बिग बिलियन डेज में 66,990 का मिल रहा है। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो प्रोसेसर इसमें आपको i5 9th gen मिल जाता है, लगभग ठीक ठाक गेमिंग कर देता है। इसके रैम के बारे में बात करें तो 8 GB का आपको रैम मिलती है। स्टोरेज के बारे में बात करें तो 1 TB SSD प्लस 256 GB की SSD मिल जाती है। एंड साथ में आपको विंडोज 10 का होम मिल जाता है, जो लाइफ टाइम चलेगा। एंड इसे ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए बेस्ट है। एंड आपको इसके जो इन जो स्क्रीन है वो 15.6 inches की स्क्रीन है, एंड जो लैपटॉप का वेट है वो 2.28 kg है, तो आपके शोल्डर्स को पेन भी नहीं करेगा। एंड इसमें अच्छी चीज़ MS Office है, जो लगभग हर गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता। और अगर आप इसकी रैम टाइप की बात करें तो DDR4 की इसको आपको रैम टाइप मिल जाती है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.4 GHz से आप टर्बो बूस्ट अप करेंगे तो 4.1 GHz तक आप वो जो रैम स्पीड है जा सकती है। एंड ये 60Hz की रिफ्रेशिंग स्पीड भी देता है ये लैपटॉप, जो गेमिंग मतलब बेस्ट कर सकता है, पर ये मतलब माइल्ड गेमिंग करता है ये वाला लैपटॉप। इसमें आपको बैकलेट पर्पल कलर की बैकलेट मिल जाती है, जो गेमिंग होता है आपको गेमिंग लुक देगी। एंड इसलिए हमने उसको 5th नंबर पर रखा है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो कम है। तो आप देख सकते हैं, हम आप अपने नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं। तो गाइस, 4th नंबर पे हमारा आता है MSI का अल्फा 15 गेमिंग लैपटॉप, जिसके आजकल बिग बिलियन डेज में प्राइस है 69,990। और अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में बारे में बात करें तो हमें Ryzen 7 क्वाड कोर 3750H का प्रोसेसर मिल जाता है, एज कम्पेयर टू इंटेल, तो इंटेल का i7 9th gen का प्रोसेसर एक तरीके से ये दोनों सेम है। और अगर रैम की बात करें तो 16 GB रैम है, जो बिल्कुल एक तरीके से बेस्ट है गेमिंग के लिए। एंड इसमें स्टोरेज टाइप 1 TB SSD प्लस 256 GB SSD आपको मिल जाती है, और इसमें आपको विंडोज 10 होम भी मिल जाता है, और 4 GB का ग्राफिक्स प्लस AMD Radeon RX 5500M का मिल जाता है, जो मतलब गेमिंग ठीक ठीक कर देता है। अगर NVIDIA का लगाते हो बिल्कुल हाई टाइप गेमिंग करता। एंड इसका अगर हम रिफ्रेशिंग हर्ट की स्पीड देखें तो ये भी 160Hz की रिफ्रेशिंग स्पीड आपको दे देता है। एंड इसका जो स्क्रीन है 15.6 inches की स्क्रीन है, ब्लैक कलर की, और 2.33 kg का ये पूरा आपको लैपटॉप मिल जाता है। अगर इसकी बैकलेट की बात करें तो ये रेड कलर की, इसमें आप बैकलेट दे सकते हैं, जो बिल्कुल गेमिंग के लिए कूल लुक देता है। अगर आप गेम खेलेंगे या फिर लाइटिंग बंद करके खेलेंगे तो बिल्कुल कीज़ आपको दिख जाएंगी। एंड इसमें अगर रैम टाइप देखें तो हमें वही DDR4 की रैम टाइप मिल जाती है। क्लॉक स्पीड जो है इसकी 2.3 GHz, आप टर्बो बूस्ट अप करके 4 GHz की कर सकते हैं। इसमें डुअल कोर फैन दिए हुए हैं, जो मतलब आपको लैपटॉप गर्म नहीं करेगा। एंड इसमें वेंट्स भी दिए हुए हैं, जो एक तरीके से MSI ने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बनाया हुआ है। इसमें कैमरा सब है। आप सोच रहे होंगे इसको मैंने 4th नंबर पर इसलिए रखा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की वजह से इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत कम है, जो गेमिंग मतलब माइल्ड करेगा, गेमिंग मतलब आपको 50-60 FPS देगा। इसकी वजह से 4th में रखा है। एंड इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, 3rd नंबर पे हमारा आता है Acer का Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप, जिसके आजकल बिग बिलियन डेज में प्राइस चल रही है 62,990। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको i5 10th gen मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए एक तरीके से सही है। और इसकी जो रैम है 8 GB दी हुई है। एंड अगर आप स्टोरेज टाइप पे जाते हैं तो 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD है, जो आजकल मतलब हर गेमिंग लैपटॉप में ऐसी मिलती है। एंड में विंडोज 10 आपको होम साथ में मिल जाता है। एंड इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड है, जो एक तरीके से बेस्ट गेमिंग करता है।
एंड अगर इसकी रिफ्रेशिंग हर्ट्ज़ की स्पीड में बात करें तो 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेशिंग स्पीड दे देता है ये आपको। एंड इसकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है 15.6 इंचेस की स्क्रीन दी हुई है। एंड इसका जो अगर आप वेट के बारे में बात करते हैं तो 2.3 kg का इसका वेट दिया हुआ है। एंड इसकी रैम टाइप DDR4 है। एंड इसकी अगर आप बात करते हैं कि क्लॉक स्पीड के बारे में तो ये आपको 2.3 GHz से 4 GHz की स्पीड ये आपको दे देता है। एंड इस पे जो वेंट्स हैं वो मतलब हर जगह इस पे वेंट्स लगे हुए हैं ताकि क्या बोलते हैं ये गर्म ना हो लैपटॉप। एंड डुअल कोर फैन है इसमें तो बिल्कुल आपको गर्म ना करने दे आपको लैपटॉप को, जो आप कहीं भी रख के खेलें। एंड इसके ग्राफिक कार्ड की वजह से बिल्कुल स्मूथ गेमिंग देता है। एंड इसमें आपको बैकलेट दिख सकती है, रेड कलर की बैकलेट है जो बिल्कुल एक तरीके से कूल गेमिंग लुक दे देती है आपको। एंड इसका इसमें हमने इसको थर्ड पे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स क्या बोलते हैं अब बैकलेट के बारे में, क्योंकि इसका बैकलेट RGB नहीं है। अगर RGB होता तो बिल्कुल बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप बन सकता था। एंड इसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज हमारे सेकंड नंबर पे आता है Asus का टफ गेमिंग गियर 505DT जो आजकल Amazon पे चल रहा है 58,990 का। एंड अगर आप इसमें देख सकते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में Ryzen 7 3750H मिल जाता है जो इंटेल के i7 9th gen के अप्रॉक्सी तरह करता है। एंड ऐसे ग्राफिक कार्ड में जाएँ तो GTX 1650 का 4GB GDDR5 ग्राफिक कार्ड्स मिल जाता है। एंड अगर रैम के बारे में बात करें तो आपको 16GB की रैम मिल जाते हैं। स्टोरेज टाइप इसमें आपको 512GB की SSD मिलेगी, आपको HDD का स्लॉट है लेकिन SSD आपको साथ में नहीं मिलेगी। एंड अगर आप देखें तो उसमें विंडोज़ 10 आपको होम मिल जाती है। एंड इसकी जो स्क्रीन है 15.6 इंचेस की स्क्रीन है एंड 2 kg का ये पूरा लैपटॉप है जो बहुत हल्का है, बिल्कुल आपके शोल्डर्स को पेन नहीं करेगा बिल्कुल भी। एंड अगर आप इसकी बात करते हैं रैम टाइप तो रैम टाइप इसकी DDR4 रैम दी हुई है। एंड अगर प्रोसेसर पर जाते हैं उसका प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है वो 2.3 GHz से 4 GHz की स्पीड हो सकती है। एंड इसमें जो कोर्स हैं 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड दिए हुए हैं जो गेमिंग के लिए आपको बिल्कुल मतलब समझ लो बेस्ट टू बेस्ट करेगा। एंड इसमें आप अगर आप कीबोर्ड के बारे में जाते हैं तो कीबोर्ड आपको RGB कीबोर्ड मिल जाता है इसमें जो बिल्कुल गेमिंग के लिए बिल्कुल ही कूल डिस्को लाइक लुक देगा। एंड इसमें जो प्रोसेसर है ये सब मिला के इसको ऐसा गेमिंग बनाया हुआ है ताकि जो बिल्कुल स्मूथ गेमिंग दे और ये बिल्कुल गर्म ना हो। एंड इसमें भी वही फैन सेम है जो Acer Nitro की तरह थे। एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है Asus का ROG ROG Strix G15 का गेमिंग लैपटॉप जो इसके आजकल बिग बिलियन डेज में प्राइस चल रही है 79,990। तो पता है बजट में नहीं है पर बहुत है। पर अगर इसके प्रोसेसर में जाते हैं तो आपको वही i5 10th gen का प्रोसेसर मिल जाता है। रैम आपको 8GB प्लस स्टोरेज टाइप आपको 512GB का SSD मिल जाती है। एंड विंडोज 10 आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। एंड ग्राफिक कार्ड पर जाएंगे तो 4GB GeForce GTX 1650 टाइप ग्राफिक कार्ड्स मिलेगा जो मतलब बिल्कुल एक तरीके से बेस्ट गेमिंग कर देता है। एंड इसकी इंचेस के बारे में बात करें तो 15.6 इंचेस की इसकी जो दी हुई है आपको स्क्रीन है। एंड इसके 2.3 kg का लैपटॉप है। एंड अगर हम बात करें इसकी लाइटनिंग के बारे में तो इसमें RGB लाइटनिंग दी हुई है और इसके जो बेस है जो नीचे की तरफ होता है उसमें भी लाइटनिंग दी हुई है एक तरीके से, मतलब भर भर के इसमें लाइटनिंग दी हुई है, हर तरफ लाइटिंग ही दी हुई है। पर इस पर एक ये डिसएडवांटेज भी है कि इसमें कैमरा नहीं है और सी पोर्ट नहीं है। अगर आपको कैमरे की ज़रूरत है तो आप इस लैपटॉप को मत ही लीजिए क्योंकि इसमें कैमरा है ही नहीं। और अगर आप बात करेंगे इस गेमिंग के बारे में तो मतलब प्रोसेसर की तरफ से बिल्कुल स्मूथ गेमिंग देता है एक तरीके से और इसमें गर्म भी नहीं होता है, डुअल कोर है। और इसकी रैम टाइप DDR4 रैम है और इसकी क्लॉक स्पीड 2.5 GHz से 4.5 GHz तक चली जाती है जो बिल्कुल एक तरीके से बहुत है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट पे रखा। आप सोचेंगे आपको फर्स्ट पे क्यों रखा, बिल्कुल Acer Nitro जैसा ही है। पर Acer Nitro में एक्चुअली जो ग्राफिक कार्ड था वो थोड़ा सा नीचे था एंड इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो अपर है। इसमें RGB लाइटिंग भी है। एंड आज के लिए हमारे बस इतने ही लैपटॉप है, आप जाके इनको चेक कर सकते हैं। सबका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जैसी वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। तो आज के लिए चलिए टाटा बाय बाय।